हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बंगाली रसगुल्ला। ये दिखने में काफी सिंपल लगते हैं, बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से नहीं बनाया जाए तो कभी ये बिखर जाते हैं, कभी हार्ड हो जाते हैं। तो बस उन्हीं टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज हम बनाएंगे स्पॉन्जी रसगुल्ले। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखें। तो देखते हैं रसगुल्ले कैसे बनाते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए मैं एक कंटेनर में 1 लीटर मिल्क लूंगी। यहाँ मैंने टोन मिल्क लिया है, इससे भी रसगुल्ले काफी स्पॉन्जी बनते हैं। आप चाहे तो फुल क्रीम मिल्क भी यूज कर सकते हैं। अब हम हाई फ्लेम पर मिल्क को बॉईल कर लेंगे। दूध बॉईल हो रहा है तो उतने में हम दूध को फाड़ने के लिए एक बोल में 2.5 टेबलस्पून विनेगर लेंगे, जिसे हम सिरका बोलते हैं। अगर आपके पास में मेजरिंग स्पून नहीं है तो आपके किचन में ऐसी बड़ी स्पून होगी, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें 2.5 टेबलस्पून पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देते हैं और दूध को चेक करते हैं। तो दूध का बॉईल आ गया है और फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। अब हम इसे फाड़ेंगे, यानी कि कर्डल करेंगे। तो टिप नंबर 1, मिल्क बॉईल होने के बाद हमें 1-2 मिनट रुकना है, जिससे दूध में से उसकी थोड़ी भाप निकल जाएगी। उसके बाद ही हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें विनेगर वाटर मिक्स करेंगे और हल्के हल्के हाथ से इसे चलाएंगे। दूध जब भी पूरी तरह से फट जाए तो हम ये विनेगर और न डालें। तो ये था टिप नंबर 2। कभी कभी क्या होता है कि दूध इतने मिक्स से भी नहीं फटता है, तो आप 1/2 टेबलस्पून विनेगर में 1/2 टेबलस्पून पानी डालकर थोड़ा सा और डालिए तो वो फट जाएगा। पूरा एक साथ ना डालें, पहले थोड़ा डालें। मुझे यहाँ दूध फाड़ने के लिए पूरा विनेगर वाटर मिक्स यूज हुआ है। तो दूध अच्छे से फट गया है। इसके बाद हम छेना को छानने के लिए एक स्ट्रेनर लेंगे और उस पर एक कपड़ा लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ आप मसलिन क्लॉथ या कोई सा भी क्लॉथ ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटा ना हो तो बेस्ट रहेगा। तो अब हम इसे छान लेते हैं और साथ ही इसे पानी से धो लेते हैं ताकि विनेगर का टेस्ट इसमें ना आए। अब हम इसमें से पानी को झड़ने देंगे। इसके बाद हम इस तरह से कपड़े को समेट कर एक्सेस पानी निकाल देंगे इस तरह से, और इसे इस तरह से स्ट्रेनर पर रखते हुए इसके ऊपर कुछ वजन रख देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे इसका बचा हुआ पानी थोड़ा थोड़ा करके निकल जाए और ये थोड़ा मॉइस्ट भी रहे। तो टिप नंबर 3, हमें इसमें से पानी निकालना है लेकिन हल्का सा मॉइस्ट भी रहने देना है। अगर ये पूरी तरह ड्राई हो गया तो आपके रसगुल्ले हार्ड बनेंगे, और ज़्यादा पानी रह गया तो ये शुगर सिरप में बिखर जाएंगे। छेना मॉइस्ट है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं तो हम छेना चेक कर लेते हैं। तो छेना भी परफेक्ट हो गया है रसगुल्ले बनने के लिए। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम दूसरी और शुगर सिरप बना लेते हैं। उसके लिए हम 1 कप शुगर लेंगे, उसमें हम 5 कप पानी ऐड करेंगे। 1 लीटर दूध में 1 कप शुगर लगती है। इसे एक बार चला देंगे और लो फ्लेम पर इसे बनने देंगे। इसे बनने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं। अब इसे हम ढक देंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी जाएं। तो टिप नंबर 4, शुगर सिरप कम ना बनाएं, नहीं तो रसगुल्ले फ्लैट बनते हैं। तो अब हम छेना को इस तरह से बिखेर लेंगे और इसे हथेली के पीछे हिस्से से इस तरह से मस लेंगे। जब आप इसे मस लेंगे तो कुछ पानी की पचपच की हल्की सी आवाज आएगी, इसका मतलब आपका छेना रसगुल्ले के लिए हल्का सा मॉइस्ट भी है। बस अब इसी तरह से इसे मसलते रहना है। इसमें किसी को 7 मिनट, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट लगते हैं। तो टिप नंबर 5, आपको तब तक मसलना है जब तक कि छेना एक साथ इजिली इकट्ठा ना हो जाए और इसमें से चिकनाहट ना आ जाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून मैदा ऐड करेंगे। आप इसमें कॉर्न स्टार्च या अरारोट भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो बिना इसके भी बना सकते हैं। इससे बस रसगुल्लों को एक बाइंडिंग मिल जाती है। देखिए, छेना अच्छे से इकट्ठा हो गया है
और इसमें से चिकनाहट भी निकल रही है। मुझे इसमें 15 मिनट लगे हैं, तो अब हम इसमें से बॉल्स बना लेंगे। टिप नंबर 6, बॉल्स हमें बिल्कुल हल्के हाथ से बनानी है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल इस तरह से कि इसमें क्रैक्स ना हो। मैंने यहाँ 7 बॉल्स बनाई है, ये आपको छोटी दिख रही होंगी लेकिन अभी ये शुगर सिरप में फूलकर बड़ी हो जाएंगी। टिप नंबर 7, शुगर सिरप बिल्कुल ऐसा खोलता हुआ चाहिए, ऐसे में ही हमें रसगुल्ले बॉल्स डालनी है। तो अब हम इसमें एक एक करके रसगुल्ले बॉल्स डालेंगे। कंटेनर थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा जिसमें ये आराम से अपना शेप ले सके, एक दूसरे से टकराए ना। अब हम इन्हें ढककर हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें 6 से 7 केसर स्ट्रैंड्स और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ रोज या केवड़ा एसेंस डालना चाहें तो इसकी जगह वो यूज कर सकते हैं, और अगर इसे प्लेन ही रखना चाहे तो कुछ ना डालें। अब हम इन्हें दोबारा ढककर टोटल 12 मिनट के लिए कुक होने देंगे हाई फ्लेम पर। 12 मिनट के बाद हम इन्हें चेक करेंगे। बीच में हम इन्हें एक बार चम्मच से थोड़ा चला देंगे। 12 मिनट हो गए हैं, अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे और इसमें एक रसगुल्ला डालेंगे। देखिए रसगुल्ला नीचे बैठ गया है, इसका मतलब ये पूरी तरह से कुक हो चुका है। अगर ये ऊपर फ्लोट करे तो इसका मतलब हमें इसे 3-4 मिनट के लिए और कुक करना है। तो ये था टिप नंबर 8। अब मैं इस रसगुल्ले को वापस शुगर सिरप में डाल दूंगी और फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इन्हें इसी में पूरी तरह ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक और टिप मैं देना चाहूंगी, कभी कभी क्या होता है कि रसगुल्लों का कलर डल आता है, एकदम वाइट नहीं आता है, तो वो शुगर सिरप की डर्ट के कारण होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप 1 कप शुगर और 2 कप पानी डालकर उसे डिसॉल्व होने दें, फिर उसमें 2 छोटी चम्मच दूध डाल दें, जिससे सारी गंदगी ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, जिसे आप निकाल दीजिएगा, और उसी शुगर सिरप में 3 कप और पानी डालकर शुगर सिरप बनने दीजिएगा। तो देखिए स्पॉन्जी रसगुल्ले एकदम रेडी हैं। अब आप इन्हें फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा सर्व कीजिए या फिर बिना फ्रिज में रखे ही खाएं। देखिए कितने स्पॉन्जी हैं। तो होप है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Thank you for watching my video.